हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीन सप्लाई चेन पे। और लीन सप्लाई चेन को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लीन का बताओ। आप एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें एक मिस्टर एबीसी हैं जो कि बहुत फैटी हैं और अपने साथ बहुत सारा फैट कैरी कर रहे हैं। इन्हीं के साथ एक मिस्टर लीन है, एक मिस्टर स्मार्ट हैं जो कि अपने साथ फैट कैरी नहीं कर रहे हैं। सेम अप्रोच, सेम फार्मूला अप्लाइज टू एन ऑर्गेनाइजेशन, टू अ कंपनी, टू अ फर्म। बिजनेस वर्ल्ड में और कॉरपोरेट वर्ल्ड में हमें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस फैटी भी मिलती हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस लीन भी मिलती हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस फैट को वेस्ट या वेस्टेजेस कहें तो ये भी गलत नहीं होगा। वेस्ट से मुराद वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ हैं जो कि रिसोर्सेज को एब्जॉर्ब करें बट कोई वैल्यू क्रिएट ना करें। और इसकी एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि वो तमाम तर एक्टिविटीज़, वो तमाम तर रिसोर्सेज जो कि अपनी ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट से कहीं ज़्यादा हों, वो तमाम वेस्टेजेस हैं। मींस आपके ऑपरेशंस की वो तमाम तर मिस्टेक्स जिन्हें रेक्टिफाई करना पड़े, वो तमाम तर प्रोडक्शन आइटम्स जिनकी ज़रूरत ना हो फिर भी प्रोड्यूस किए गए हों और आपकी डेड इन्वेंट्री का पार्ट हो। इसी के साथ साथ वो तमाम तर प्रोसेसिंग स्टेप्स जिनकी नीड ना हो, अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स विदाउट एनी रीज़न। और इसके साथ साथ वो तमाम तर प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल ना करें, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो वेस्टेजेस में आ जाती हैं। अब लीन का जो कॉन्सेप्ट है वो इन वेस्टेजेस को मिनिमाइज़ करना है, इन वेस्टेजेस को एलिमिनेट करना है। लीन थिंकिंग और लीन अप्रोच हमें ये समझाती है और ये सिखाती है कि डू मोर एंड मोर विद लेस एंड लेस। मीन्स लेस ह्यूमन एफर्ट, लेस इक्विपमेंट, लेस टाइम, लेस फाइनेंस, लेस स्पेस एंड कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू दैट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच कस्टमर एग्जैक्टली वांट। अब सप्लाई चेन चूँकि एक तवील सफ़र है और एक लेंदी सफ़र है और इसमें मल्टीपल प्रोसेसेस, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, मल्टीपल डोमेन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये डू मोर एंड मोर विद लेस एंड लेस वाली अप्रोच प्रोक्योरमेंट में भी एप्लीकेबल है, मार्केटिंग एंड सेल्स में भी एप्लीकेबल है, लॉजिस्टिक्स में भी एप्लीकेबल है और प्रोडक्शन में भी एप्लीकेबल है। लीन सप्लाई चेन की एक डेफिनेशन ये भी है कि वो तमाम तरह ऑर्गेनाइजेशंस जो कि डायरेक्टली लिंक्ड हों विद अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम फ्लो ऑफ प्रोडक्ट, फ्लो ऑफ सर्विसेज, फ्लो ऑफ फाइनेंस और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन से और फुल कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करें टू रिड्यूस कॉस्ट एंड वेस्ट और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कस्टमर की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें इज एक्चुअली अ लीन सप्लाई चेन। वैसे कॉन्सेप्ट ऑफ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड मेरी एक वीडियो है और अगरचे तो वो वीडियो आप देखना चाहें तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा। नाउ बैक टू द टॉपिक। लीन सप्लाई चेन का जो ऑब्जेक्टिव है वो वेस्ट को एलिमिनेट करना है और नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करना है और साथ ही साथ क्वालिटी को इन्हेंस करना है और अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करना है। आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो या इस टॉपिक में फर्दर अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहें देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।